जिसका आप पढ़ रहे हो ये मुझे बताओ पहले आप। यार मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब अमायरा को लेके मतलब मुझे इतना नेगेटिव बोलते हैं लोग कि मैं अमायरा से प्यार नहीं करती, मैं अमायरा से चिढ़ती हूँ, इरिटेट रहती हूँ। फिर लोगों को क्यों लगता है जैसे मेरी अलीजा, अलीजा भी नहीं थी सबसे पहले, तो मेरे लिए अमायरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? जैसे हमारे घर में जैसे मेरी अलीजा है वैसी अमायरा है, मैं दोनों में किसी को फर्क नहीं समझती हूँ। अमायरा भी मेरी बेटी जैसी है और मैं उसे वैसे ही प्यार करती हूँ, उसे वैसे ही ट्रीट करती हूँ। फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं अमायरा को डांटती हूँ, चिढ़ती हूँ उससे, और मैं उसे हमेशा गुस्से में बोलती हूँ। गाइस ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करती मुझे हूँ। हंसी आ रही है इस बात पे कि लोग अमायरा को ले, मतलब उनको तो क्वेश्चंस, उनको ना बस एक टारगेट करना है किसी भी चीज़ को लेके। अमायरा नहीं बहुत है वेरी बैड तो फिर मैन, वेरी मम्मी पकड़ अपसेट। लेंगे पापा, मतलब किसी ना किसी को लेके रुखसार को टारगेट करना है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों भाई, शादी के टाइम पे तो लोगों ने रुखसार को इतना भर भर के प्यार दिया था ना, एंड उसके बाद से रुखसार को इतना ज़्यादा ट्रॉल भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करता है, डोंट नो क्यों करते हैं। और जो चीज़ मैं करता हूँ वही चीज़ दिखाता हूँ। लास्ट वाले कमेंट, लास्ट वाले में ना क्या बोलते हैं, ब्लॉग में भी रुखसार को बोला था कि रुखसार अमायरा को घूर रही है, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ ना सोच रही थी किसी चीज को लेके, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं अमायरा को बहुत गुस्सा कर रही हूँ। और अमायरा से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे बहुत चिढ़ाती हूँ, मैं उसको हर चीज में चिढ़ाती हूँ कि नहीं अमायरा तुम्हारे लिए मैंने ये नहीं बनाया, नहीं अमायरा तुम्हारे, तो मुझे प्यार से बोलती है नहीं चाची आपने मेरे लिए ये बनाया, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मैं उसे बस छेड़ती हूँ। मुझे हाँ अच्छा लगता है जी, कि वो मुझे प्यार से बोलती है कोई चीजें। कमेंट किया है हाँ किसी ने, मैं इसका प्रीति मैंने अभी शर्मा ब्लॉग ने, में देख रही थी, अभी जस्ट उसका फर्स्ट मैंने वो देखा, तो उसने इतना इतना लंबा लंबा, चौड़ा कर रखा है, उसकी आधी बात समझ ही नहीं आ रही है उसने लिखा क्या है वो बस चीज़। मुझे तो बस एक ही लाइन समझ में आई कि रुखसार हमारे से इतनी चिढ़ती हुई है। भाई मैं कहाँ चिढ़ती हूँ, बच्चों से चिढ़ के इंसान जाएगा कहाँ। हाँ जी अलीजू, आज मैंने अलीजू को काजल भर भर के काजल लगाया ना द नेक्स्ट डे मतलब जब मुझे इनकी हेल्प चाहिए होती है ना, तभी ये ना आ जाते हैं, कभी कुछ अपना करने के लिए, कभी ये मतलब ये भी सेट हो रहे हैं, रेडी शेडी हो रहे हैं। 5 बज गए गाइस घड़ी में, मुझे ना बहुत सारा काम अभी पड़ा टोपी हुआ है। कहाँ है ये बताओ पहले, कौन टोपी, मैंने आपकी टोपी धो दी थी, आप ये वाली टोपी लगाना, सी, जिस वाली, ये वाली, ये भी आती है नहीं आपकी यार ये छोटी, छोटी है मेरे बहुत। बट मुझे ये अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है। देखो ठीक है हाँ यस यस, बहुत स्पेशल डिश बनाने वाले हैं अपनी तारीफ हाँ में, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आज वो मैं ना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, और भाई साहब इतनी लजीज होती, टेस्टी है ना, मतलब उसे देख उसका के तो नाम जो मतलब उसे है मैं बना के जल्दी से खाने को। कुनाफा, हाँ कुनाफा रेसिपी है जो कि हम आज की अपनी इफ्तारी में रुखसार इसको हाँ प्रिपेयर करेगी, और अभी जो है 5 बज रहे हैं तो पूरा 1 घंटा है, 1 घंटे में बन जाएगी वो। हाँ आई होप, और साथ ही साथ हम लोग आपके साथ ये भी चीज़ शेयर करेंगे आज हम अपनी इफ्तारी में और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हर किसी के घर में ना इफ्तारी में ना डेली कुछ ना कुछ कुछ न्यू सेम बनता चीज़, है। नहीं न्यू तो बनता ही है बट सेम कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है हाँ एक चीज तो सेम सेम रहती सेम है, रहती तो वो है। हमारे घर में क्या चीज़ जो सेम रहते हैं कुछ लोगों को तो अभी पता चल गया है, तो यस कमेंट करके बता देना। और बाकी हम अपनी आज की इफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये रुखसार तो हमारा सामने ही आ गई है, मुझे बात ही नहीं करने दे रही है। तो कुछ चीज़ें थी हमारे पास ऑलरेडी और कुछ नहीं थी, तो जो चीज़ नहीं थी वो हमने ब्लिंकिट कर लिया है, जो कि है क्रीम बटर, इसका बहुत ज्यादा यूज है आज के दिन। और साथ में हमारे घर पे ना इस रेसिपी के पिस्ता, लिए ना पिस्ता बहुत जरूरी है, जो भी इसका जायका आता है ना वो पिस्ते से आता है। ठीक है, तो मैं रुखसार की हेल्प करूंगा आज क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज्यादा इसको परेशान नहीं करूंगा, मैं खुद इसकी हेल्प करूंगा। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आपको इतना फाइन कर लेना है, तो अब इसको ना आपको घी में फ्राई करना है। आप इसमें घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी डालना प्रेफर करूंगी। क्या बात है, ताली नजर मार रहे हो आप तो, क्या बात है, अच्छी नहीं बनी ना तो तुम्हें खाने के लिए दूंगी। मैं खाऊंगा ही नहीं, अच्छी नहीं बनी तो। रुखसार ने ना अपना इस महीने के जो टारगेट है रुखसार का आप लोगों से रेसिपी शेयर करने का, वो काफ़ी हद तक पूरा किया है, और आप लोगों के लिए काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ है जो कि चटपट बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान के टाइम पर ना यार टाइम होता नहीं है, तो इसीलिए चीज़ ये रही ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यही तो ट्विस्ट है इस रेसिपी में के अंदर कि इन दोनों को हमें मिक्सअप बनाना है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाशनी जो इसमें डलने वाली है। कब बात हो गई, इनको सुलाने के चक्कर में कब बात हो गई, उल्टी आपको वाली निन्नी नहीं आ रही आती है, है।
आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ कवात हो गई, हंस दो थोड़ा सा। हाँ ऐसे हंस दो। हाँ रुखसार ड्यूटी जाती है, मम्मी कम से कम 8 8 10 10 घंटे मम्मी को संभालना पड़ता है सुबह सुबह। यहाँ पे देख जो है आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन खुशबू कलर आ कितनी गया, अच्छी आ रही, बहुत अच्छी खुशबू आ खुशबू रही है। और साथ में यहाँ रुखसार ने चढ़ा दिया है कढ़ाई में चाशनी चाशनी बनने के लिए, ड्रॉर में रखा है इस कटोरी के पीछे इसके नीचे ऊपर। इस पे। हाँ अरे अल्लाह, पर फनी तो था इसीलिए काम नहीं करवाती, मतलब 1 घंटा लगाते हैं वो काम करने में, कहते खोलू क्या करूं। ये ना यस हमें यही चाहिए ये, ताकि मैं इसमें अपना जो है ना इसको शेप दे सकूं, तो मैंने इसको लिया। हमने जो चीज़ डाली थी ना वो मेल्ट हो गई है इस तरीके से, और अब ऊपर से रुखसार डालेगी इसमें क्रीम। यार इसे मेल्ट करना पड़ेगा क्या मेरे से? रुखसार टाइट हो गई क्या? बहुत टाइट हो गई यार। हाँ कर दो, गरम कर दो थोड़ी सी, गरम करना पड़ेगा, यही तो मेन है इसका। और दिखाते हैं मैंने इसको ना इसमें सेट कर दिया है सेट। अब मैं इसको ना इस पे, ये लिटरली कलाकारी हो रही है सर, लिटरली कलाकारी हो रही है। तुम्हें इसके नीचे तेल लगाना चाहिए था। तुमने नहीं 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 तुमने कुनाफा खाना कुल्फी कर दिया पूरा। मैं तो सोच रही थी बहुत इजी है, लेकिन जब बनाने पे आई हो ना तो मुझे बहुत मतलब आपका हाथ सेट नहीं है, अभी फर्स्ट मैं टाइम। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको आती होगी, वो दूसरा बंदा बनाएगा तो उसको टफ लगेगी चीजें, ठीक है? तो ये हर किसी के साथ है। वैसे मैं स्पून देख रहे हो, पूरी के पूरे किचन की बैंड बजा दी रुखसार ने। तो अब इसे ओवन में गर्म भी करना पड़ेगा, तो ये निकलेगा कैसे इजी? तो रुखसार कह रही है मैं तो करके दिखाऊंगी, इसको उठा के अदर प्लेट में कर सकती हूँ मैं, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। रुखसार ये देखो ये जो डिश वो बना रही है ना, ये कटोरा कटोरा खेलना खेलना चल रहा है इसका। हो गई ऑलमोस्ट, मैं तो नहीं खाने वाला ये। क्या ये जो बनाया तुमने, इससे अच्छा तो किमामी समय बना लेती रुखसार। सही कह रहे हो। एनीवे तो अब जो भी रुखसान ने बनाया है उसने कोशिश तो की थी बनाने के लिए, कौन सी डिश? कुनाफा। मेरा कुनाफा हो गया। बट मैं इसकी मेहनत की दाद देता हूँ। ऐसी हालत में रुखसान ने तबीयत खराब हो, उसके बाद भी उसने ट्राई करने सोचा कुछ अलग। सो फर्स्ट टाइम तो नहीं कर पाई बेटर, बट फिर भी अभी हम उसको जज नहीं कर सकते। पहले पहले ये बन जाएगा पूरा, उसके बाद जब मम्मी पापा या मैं कोई ट्राई करता है लेट्स सी, उसके बाद फिर देखेंगे कैसा क्या है। बाकी रुखसार ने अपना तो 100% दिया ही है इसमें। एक चीज तो है, ये तो मुझे माननी पड़ेगी कि जिस चीज को मैं बनाती हूँ वो अच्छी बनती है। किसने बोला आपसे ये? देखो ये सारी रेसिपी की मेहनत एक तरफ और इसको पलटना एक तरफ, ठीक है? तो लेट्स सी ये पलट पाती है नहीं पलट पाती है। याद आ रही मास्टर शेफ में पहली राउंड में निकल जाती हूँ। अलीना अलीना को देख रहे हो, वो वहीं से चिल्ला रही मम्मी अच्छा नहीं बना। सिकंदर भाई का फोन आया, मम्मी को बुला रहे हैं।
रहीम, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, बस नौटंकी नहीं ज्यादा, इसे पटको यहाँ से, तुम कुछ और ही कर दो कि रुखसार, मुझे लग रहा है नॉट बैड। अरे वाह वाह वाह, नाइस रुखसार, नाइस ना, ये देखो मम्मी मैं पास हो गई। अभी नहीं अभी नहीं, रोजा खोलने वाले बताएंगे कैसे पास हुई। ये क्या है, चाशनी, चाशनी है, चाशनी थोड़ा ऐसे डालना, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, अब मैं इसमें डालने वाली चाशनी, चाशनी थोड़ी थोड़ी नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा खाना, फोकस फोकस फोकस, ऐसा कुछ छोड़ा है तुमने फोकस करने के लिए, ऐसे चलो ठीक है। ये हमारा अब इस पे आएगी चाशनी हमारी जो रुखसार ने बनाई है, मुश्किल से, ठीक है। दिस इज माय न्यू रेसिपी गाइस, मैं बहुत इतना, नाम कौन बोलेगा, मेरा ये कुनाफा बनके तैयार हो चुका, आई होप ये बहुत बहुत अच्छी आ रही है। कभी कभार बना के टेस्ट करने के लिए इसे ट्राई कर सकते हो, दिखने में अच्छा लग रहा है, स्मेल भी अच्छी है। अब जो है आप अपनी अदर प्रिपरेशन कर लेते हैं, इफ्तारी के टाइम ज्यादा नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको, हमारे घर में जो अक्सर बनती है वो है ये वाली डिश, जो कि साइमा को हमारे घर में सबको बहुत पसंद है खाना। ये जो है ना हमारे घर में यूपी वालों के लिए रमजान में इफ्तारी कम्प्लीट नहीं होती है। हाँ जी बिल्कुल सही बोला मम्मी ने, बाकी फ्रूट चाट तो नॉर्मल हर घर में बनता ही है। और जिन्होंने बोला था, रुखसार ने इसकी पहली रेसिपी रमजान फर्स्ट डे पे ये रेसिपी शेयर करी थी, लोगों ने बोला था कच्ची दाल पेट खराब हो जाए, ये वो ये वो, भैया पहले ट्राई करो इसको, कम से कम 5-7 घंटे पानी में डाल के रखते हैं कबाब। हाँ हाँ दो कर लो, प्याज डाल दिया, टमाटर, लाल मिर्च, नमक, भाई हर चीज, और टेस्टी चाट मसाला, और चना दाल चाट, अपने यहाँ पे अकेले खेल रही है। कावत हो गई, कावत हो गई, बेटू को कावत हो गई, हाँ खेल लो, अकेले खेल। ऑलराइट फाइनली अब मम्मी अपनी खुशखबरी जो बताने वाली हैं, क्यों क्या है, मेरी हमारा पास हो गई, इसका रिजल्ट आया थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड रैंक आया उसका, अनबिलीवेबल, हमारा लव यू वाले तो नहीं, हमारे पास हो गई है।